जीके की एंट्री यहाँ पर अनुज को एहसास दिलाएगी एक माँ के होने का, माँ का वजूद क्या होता है, माँ का एक बच्चे के जीवन में क्या स्थान होता है, इस बात का एहसास दिलाने वाला है जीके। जी हाँ दोस्तों, शो में जीके जैसे ही वापस आएगा वो इस बात का खुलासा करेगा। लेकिन दोस्तों, मालती देवी का सच जीके को पहले से ही पता होगा, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अनुज मालती देवी की बेइज्जती कर रहा होगा, उनको ये कहेगा कि तुम मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अनुज के मुंह से अपनी सगी माँ के लिए ये सारी बातें सुनकर जीके को इतना गुस्सा आएगा कि वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जीके एक बार फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारने वाला है अनुज को। जीके उसे थप्पड़ मारकर ये बताएगा कि मैंने तुझे ये संस्कार तो कभी नहीं दिए थे, तुझे इतनी बदतमीजी करनी किसने सिखाई, तू इतना बड़ा कब हो गया कि अपनी माँ को जवाब दे रहा है, अपनी माँ को उसके घर से बाहर निकाल रहा है। मैंने माना उसने तुझे जन्म देते ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, सालों बाद वो आई है, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि वो तेरी सगी माँ है, उसने तुझे अपने कोख से जन्म दिया है, और तू ये कैसे भूल गया। तेरी परवरिश अच्छे से हो, तेरा ख्याल अच्छे से रखा जाए, इसके लिए वो हर बार डोनेशन देती थी, पैसे वहाँ भिजवाती थी। तभी अनुज कहेगा कि क्या पैसे से ही सब कुछ हो जाता है, इन्होंने अपने पैसे नाम शोहरत के लिए ही तो मुझे छोड़ा था, मुझे बोझ समझ के इन्होंने खुद से दूर कर दिया, और आज ये वापस आई है किस लिए। अगर मैं आज कुछ बड़ा नहीं बनता, मिस्टर कपाड़िया का बेटा नहीं होता, तो ये क्या करती। तब जी के कहेंगे कि ये तब भी तेरे पास आती, ये तब भी तुझे अपने सीने से लगाती और बेटा बेटा कहकर पछतावे की आग में झुलसती, जैसे वो अभी झुलस रही है, क्योंकि वो तेरी माँ है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें तेरी याद आई या नहीं आई, क्या ये सब कुछ तूने उससे जानने की कोशिश की। यहाँ पे अनुज को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने वाले हैं जी के, जिससे अनुज के दिल में कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट आएगा कि मैंने अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया। इसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इमोशनल कॉन्वर्जेशन दिखाया जाएगा माँ और बेटे के बीच में, जिसमें 45 साल पुराने कई राज खुलेंगे। पता चलेगा कि आखिर मालती देवी ने ऐसा क्यों किया था, क्या वो सच में अपने बेटे को भूल गई थी। दोस्तों, अनुज और मालती देवी का ये नया माँ बेटे का कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छा लग रहा है, हमें कमेंट्स में अपनी राय आप जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें।